गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी ड्राई और ऑयली स्किन पे वैक्सिंग कैसे करनी चाहिए, फेस वैक्सिंग, फेशियल या रिमूव कैसे करते हैं वैक्सिंग के जरिए। तो सब कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप बताया हुआ है, वैक्सिंग मतलब फेस वैक्सिंग करने के बाद से क्या क्या मतलब प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से आप करोगे तो आपका वैक्सिंग फेस वैक्सिंग ज़्यादा ग्लोइंग और लंबे टाइम तक आपका हेयर मतलब ग्रो नहीं करेगा, और क्या क्या होता है सब कुछ आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो ड्राई स्किन पे, ऑयली स्किन पे क्या क्या प्रोसेस होते हैं वैक्सिंग करने के बाद से, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, और जो अपना हेयर रिमूव करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल पाए। और आप लोग अगर ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ रात को 8:30 बजे मैं लाइव आके ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाती हूँ। जब भी आती हूँ रात को 8:30 बजे आके ब्यूटी पार्लर कोर्स सिखाती हूँ, मतलब डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर मतलब वैसे तो डेली आने की कोशिश करती हूँ बट एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे आती रहती हूँ। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पार्लर कोर्स सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा पूरा वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इनके फेस पे कितने ज़्यादा हेयर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फेस को अच्छे से किसी भी फेस वॉश से पहले वॉश कर लेना है। बिल्कुल भी ऑयल, गंदगी कुछ नहीं रहनी चाहिए फेस में, एकदम अच्छे से फेस वॉश करके फेस को सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आपको टैल्कम पाउडर से, जब आपका फेस अच्छे से ड्राई हो जाए, कोई भी मॉइस्चराइजर कोई भी क्रीम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद पूरे फेस पे इस तरीके से जैसे मैं पाउडर लगा रही हूँ ऐसे आपको पाउडर लगाना है, नहीं तो आपके हेयर रिमूव नहीं हो पाएंगे और डेड स्किन भी नहीं निकल पाएगी। इसीलिए आपको फेस को अच्छे से वॉश करके और ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपको पाउडर लगा लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोल्ड वैक्स ले रही हूँ, ये वाला वैक्स जैसे हैंड वैक्स के लिए भी यूज हो जाता है और फेस के लिए भी आप कर सकते हो इस तरीके से। और इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। जब देखिए नीचे की तरफ से मेरे हेयर की ग्रोथ है तो नीचे की तरफ ही आपको वैक्स को लगाना है। ओके, पूरे फेस का वैक्सिंग दिखाने वाली हूँ और लास्ट में मसाज भी दिखाऊंगी, तो एंड तक वीडियो के बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हेल्पफुल लगे तो। वैक्सिंग के फ़ायदे क्या होते हैं कि डेड स्किन से डेड स्किन निकल जाता है और बहुत अच्छा सा मतलब, ये अगर आप जैसे थ्रेड या फिर रेजर का उपयोग करते हैं तो आपकी हेयर की ग्रो ज़्यादा होने लग जाती है, लेकिन वैक्सिंग से आपके हेयर जब दोबारा ग्रो होते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट निकलते हैं और स्किन का मतलब स्किन भी बहुत सॉफ्ट होता है, डेड स्किन निकल जाती है, गंदगी चली जाती है, स्किन में अलग सा ग्लो आ जाता है फेस पे वैक्सिंग कराने से। तो आप फेस पे वैक्सिंग करा सकते हो, फेस के वैक्सिंग के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा होता है। और ये जो दरदरा सा हिस्सा है वो हमको नहीं लगाना है, जो सॉफ्ट हिस्सा है वो वाला फेस पे इस तरीके से चिपकाना है। आप चाहो तो अगर आप मतलब बिगिनर्स हो तो आप पहले पट्टी को पतला पतला सेक्शन लेके कट कर लीजिएगा, अगर आपने कभी फेस पे वैक्स नहीं किया है तो, और अगर किया है तो आप इस तरीके से मेरी तरह भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने चिपका लिया है और ऊपर की तरफ से रब करना है, जैसे जिस तरफ से फेस की हेयर की ग्रोथ हो उसके दूसरी तरफ में मतलब विपरीत दिशा में आपको रब करना है। ओके, अच्छे से चिपका लेना है, जब तक अच्छे से चिपक ना जाए तब तक आप अच्छे से चिपका लीजिए। और गर्दन के पास से स्किन को खींचते हुए इस तरीके से पट्टी को खींच लेना है और स्किन पे हाथ लगा लेना है, क्योंकि तुरंत हेयर रिमूव हुए रहते हैं तो रोम छिद्र सारे खुल गए रहते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से फेस पे ऐसे हाथ से दबा लेना है और ये देखिए इतने ज़्यादा हेयर इनके फेस से रिमूव हो गए हैं, आपको आई होप पट्टी में दिख रही हो। तो इतने सारे हेयर्स इनके रिमूव हो गए हैं, इजीली आप इस तरीके से फेस पे रिमूव कर सकते हो। और चलते हैं आप दूसरे गाल की तरफ, दूसरे चिक पे हम लोग हेयर रिमूव करेंगे। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, अपर लिप्स के पास भी इस तरीके से चिपकाते हुए और फिर स्ट्रिप को, जैसे नीचे की तरफ हमारी हेयर की ग्रोथ है और फिर ऊपर की तरफ से स्ट्रिप को खींचना है। ओके, अब चलते हैं दूसरे साइड में। तो दूसरे साइड में अच्छे से, दूसरे साइड में भी इसी तरीके से आप देखिए एकदम क्लीन हो गया है और बहुत सॉफ्ट सा फील हो रहा था, ये टच करके बता रही थी। अब दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से वैक्स को लगाना है। ओके, मैं अभी दिखा देती हूँ हाथ से, मेरे साथ कैमरा के आगे आ गया है तो मैं कैमरा ऊपर करके दिखा देती हूँ किस तरीके से वैक्स को लगाया है मैंने। इस तरीके से आपको वैक्स लगाना है पूरा,
ओके, थोड़ा नीचे गर्दन तक भी आपको इस तरीके से वैक्स लगा लेना है। ओके, फिर उसी तरीके से सेम आपको पट्टी चिपकानी है, गर्दन के पास से चमड़े को खींचते हुए और फिर पट्टी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो कैसे करना है वो आप वीडियो में देख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने वैक्स यहाँ पे लगा दी है। थोड़ा अच्छे से बालों को कवर कर दीजिए वैक्स से। ओके, फेस वैक्स आई थिंक मैं पहली बार अपनी चैनल पे दिखा रही हूँ। तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगी मैं। तो अभी ये देखिए इस तरीके से पूरा वैक्स हमने अप्लाई कर लिया फेस पे। ये देखिए हेयर की ग्रो कितनी ज़्यादा है। तो अब चलिए पट्टी चिपकाते हैं। ओके, इस तरीके से चिपकाना है। ध्यान दीजिए कि आपकी आईब्रो और आपके कान के पास जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो ना चिपके। इस नीचे की तरफ से हमारी ग्रोथ है तो ऊपर की तरफ से इस तरीके से रब करना है आपको। ओके, और नीचे की तरफ गर्दन को पकड़ के अच्छे से, ये देखिए अच्छे से हमने पट्टी चिपका ली है। अब गर्दन के पास से चमड़े को खींचते हुए और इस तरीके से खींच देंगे। ओके, और इस तरीके से स्किन को दबा लेंगे हाथों से ताकि कस्टमर को रिलैक्स फील हो और जो पेन होता है वो भी कम हो जाता है ऐसे स्किन पे हाथ रखने से। तो आप इस तरीके से ज़रूर रखिएगा। ये पूरे हेयर्स हमारे पट्टी में आ गए हैं। अभी हम लोग ठोड़ी पे और अपर लिप्स पे अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ठोड़ी पे चिपकाएंगे और ऐसे खींच देना है फेस को। गर्दन के पास हाथ लगाते हुए नीचे की तरफ चमड़े को खींचते हुए ऊपर की तरफ से पट्टी को खींच लेना है। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग अपर लिप्स की तरफ। आप देख सकते हैं स्किन भी कितनी ज़्यादा क्लीन दिख रही है इनकी, और उससे मतलब डेड स्किन वगैरह भी निकल जाता है। पूरा स्टिप बताने वाली हूँ कैसे कैसे करेंगे तो बहुत ग्लोइंग और सॉफ्ट स्मूथ आपकी स्किन रहेगी वैक्सिंग करने के बाद से, क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से अपर लिप्स पे अप्लाई कर लेना है आपके। ओके, तो अभी वैक्स स्ट्रिप लेंगे। फोरहेड पे भी करना है, वो भी मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से चिपकाना है और कस्टमर को बोलिए कि लिप्स को जोर से ऐसे अंदर की तरफ करके टाइट कर लें, तभी आपके हेयर रिमूव होंगे, नहीं तो हेयर छूट जाएंगे। पाउडर से दोबारा से इसको अपर लिप्स पे पाउडर लगा देना वैक्स स्ट्रिप के ऊपर और लिप्स को जोर से एकदम टाइट करवा लेना है। उसके बाद से ऐसे खींचते हुए स्किन को नीचे की तरफ खींचते हुए ऐसे निकाल देना है। ओके, तो अभी चलते हैं फोरहेड की तरफ। थोड़ा सा जहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पे दोबारा लगा देंगे। ओके, अभी चलिए फोरहेड की तरफ आईब्रो को बचाते हुए और सिर के बालों को बचाते हुए इस तरीके से वैक्स को लगा लीजिए। ओके, ओके, अब इस पे फिर से वैक्स स्ट्रिप चिपकाएंगे। तो अच्छे से वैक्स स्ट्रिप को चिपकाएंगे और इस तरीके से आईब्रो को एकदम आईब्रो के ऊपर से आईब्रो में नहीं टच होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ आप मतलब वैक्स करते टाइम। अच्छे से चिपकाने के बाद से यहाँ से स्किन को खींचेंगे। ये देखिए मैंने जहाँ पे फिंगर लगाई है और इस तरीके से उखाड़ देंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा है तो यहाँ पे फिर से चिपकाएंगे
और इस तरीके से चिपकाने के बाद से नीचे से स्किन को खींचेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया। ये देखिए कितना ज़्यादा हेयर निकला है यहाँ पे, आई होप दिख रहा हो आप लोग को, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब दूसरी साइड भी करेंगे, ये देखिए मेरे हाथ में जो है वैक्स मतलब हेयर कितने ज़्यादा दिख रहे हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको दोबारा से उसी पट्टी को चिपका के आप रिमूव कर लीजिए। ओके, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब दूसरी साइड भी इस तरीके से पट्टी को चिपकाते हुए और आईब्रो से पट्टी को हटा लीजिए इस तरीके से। ओके, और नीचे से की तरफ स्किन को खींचते हुए पट्टी को खींचना है। ओके, तो ये पूरे फेस की वैक्सिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप फेस को अच्छे से मतलब स्पंज को पानी में डीप करके फेस को अच्छे से पोंछ लेंगे, पूरा जितना भी चिपचिपाहट सा क्रीम वैक्स लगा हुआ है वो अच्छे से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद आप फेस का करेंगे मसाज। अगर आपका फेस ड्राई है तो आपको मसाज करना है, ऑयली है तो आपको फेस पैक लगाना है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, वैक्स करने के बाद से ड्राई स्किन पे आपको मसाज देना है, ऑयली स्किन पे फेस पैक लगाना है। ओके, क्योंकि ऑयली स्किन पे ऑयल निकलता रहता है तो वो अच्छे से फेस पैक सोख लेगा, और ड्राई स्किन पे जितना ऑयल नमी रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ड्राई स्किन पे आप मसाज कर दीजिए। तो इनकी ड्राई स्किन है तो मैं इन पर मसाज कर रही हूँ, जोय का फ्रूट क्रीम लिया है मैंने, और अच्छे से मसाज करके मैं मसाज स्टेप भी दिखा देती हूँ। फेसियल मसाज ही है ये, इस तरीके से मसाज कर लेना है। वैसे नहीं देखा है तो मैंने लाइव आके फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स में आपको ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में सिखाया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा इस तरीके से मसाज करके पूरे फेस को मसाज करके छोड़ दीजिए। एक दो घंटे रिलैक्स लेंगी, सो जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा ग्लो देता है। और धूप में नहीं जाना है थोड़ी देर तक, कम से कम 1 से 2 घंटे तक आपको वैक्सीन के बाद धूप में नहीं जाना है, एलर्जी हो सकती है। तो मसाज करके आप स्किन को छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा और धीरे धीरे डेड स्किन भी निकल जाती है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और फ्री ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स मैं रात को 8:30 बजे सिखाती हूँ, तो डेली तो नहीं, जब भी आती हूँ रात को 8:30 बजे आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स सीखने को मिलेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।